है कि ये मगध विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हुआ करती थी, आज इसका स्थिति ये हो गई है इस विश्वविद्यालय की, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो लास्ट ईयर एडमिशन लेने के बाद उनको ये अनुमान हो जाता है कि हमको 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को चांसलर यानी कुलाधिपति के द्वारा जिस तरह से बर्बाद करने की साजिश हो रही है, तो ये बर्बाद विश्वविद्यालय नहीं हो रहा है, ये बर्बाद हमारे बिहार के युवाओं और छात्रों का भविष्य हो रहा है। और जिसके लिए चूंकि हम लोग छात्र संगठन के एक लोग हैं और हम लोग छात्र हैं और छात्र जदयू इस पर लगातार पहल करेगी, बिहार सरकार लगातार इस पर प्रयासरत है। और चूंकि देखिएगा कि ये राजभवन से जो संचालित होते हैं विश्वविद्यालय, अगर कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो इनके लिए दोषी कौन? अभी जो हमारे प्रभारी कुलपति यहाँ पे जो आए थे उनके भी स्वास्थ्य खराब हुई और वो भी अब छुट्टी पे चले गए, तो इस स्थिति में उनको स्वस्थ होने की हम कामना भी करते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब कोर्ट कह देती है, माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक रिजल्ट प्रकाशन के लिए उनको आदेश दिया और जब चार्जेस लगाने की बात की, तो देखिए रिजल्ट आ गया LLB का, यानी जब आपको ऊपर से प्रेशर आता है जब माननीय न्यायालय कहते हैं तो सब सिस्टम में आपकी सुधर जाती है, क्योंकि आपको अब कटघरे में खड़ा होना होता है। लेकिन ऐसे छात्रों के भविष्य के साथ आप मजे ले रहे हैं, सारे पदाधिकारियों के चेतावनी है, क्योंकि देखिए आप विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, आपको सरकार और जो भी फंड मिलते हैं उसके तहत आपको वेतन मिलता है, वो किस लिए मिलता है? क्योंकि छात्रों के साथ आप अच्छे से काम करें और लोगों का वो भविष्य बढ़िया हो, उसके लिए पढ़ाई हो, शैक्षणिक वातावरण हो, वहां पे काम काज हो, वो नहीं हो रहे हैं। और मगध विश्वविद्यालय पूरे बिहार में सबसे अभी निचतम स्तर की स्थिति में अगर हम मानते हैं तो इसी विश्वविद्यालय को मानते हैं, यही सरकार, यही बिहार, यही छात्र, यही सब्जी। अब बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत बेहतर है, आप पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन यहाँ क्यों? तो यहाँ एक ही चीज है, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं लोग। इससे पहले जो कुलपति महोदय थे उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि पूरा अखबारों और अन्य मीडिया में भी आई, लोगों ने देखा और उन पर जांच भी चल रही, तो ये चीज है। दूसरा कि हमारा छात्र जदयू जो हमारे जो विश्वविद्यालय इकाई है लगातार प्रयासरत है, अभी हाल ही में आंदोलन भी किए लोग और लगातार कॉलेज में और विश्वविद्यालय के कैंपस में लगातार अपनी स्थिति बना करके लोगों के लिए काम करें, लेकिन आखिर ये क्या करेंगे? ये बात रखेंगे, मांग रखेंगे, नहीं करना उनका है। तो चांसलर साहब से अनुरोध होगा, क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय को बचाइए, अन्यथा छात्र जब उग्र होंगे ना, बिहार के जब छात्र उग्र होंगे तो आपको बता देते हैं कि इस पे कटघरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और हम केंद्र से भी कहेंगे और UGC जो देखती है यूनिवर्सिटी को, उनको भी कहेंगे इस पर त्वरित ध्यान दे और इसको लेकर के जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। और आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा वो छात्र जदयू, चूंकि हम लोग अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने समर्थन दिया है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को उन्होंने थामा है, और नए लोग चूंकि जो भी यूनिवर्सिटी में आते हैं वो ग्रेजुएशन और PG के बच्चे होते हैं जो वोटर होते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार में विश्वास जताया है, तो मानना पड़ेगा कि आज भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हैं। और पूरे विश्वविद्यालय में जो भी चुनाव होंगे, चूंकि छात्र संघ होना बहुत जरूरी है और विश्वविद्यालय से चूंकि स्थितियां इतनी खराब है कि चुनाव की मांग करना ही हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में जब चुनाव होंगे तो हम बहुत प्रचंड जीत की ओर जाएंगे। और चूंकि हम लोग काम करते हैं और बिहार में छात्रों के लिए जितना काम पूरे देश में किसी राज्य ने किया है और वो सरकार ने किया है, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। मगध विश्वविद्यालय की जो अजब स्थिति है, इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ सरकार, देखिए राज्य सरकार, मैंने आपको पहले बताया कि राज्य सरकार का काम है फंड देना, राज्य सरकार का काम है वेतन देना, राज्य सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, लेकिन चूंकि विश्वविद्यालयों को चलाने और संचालन की स्थिति में कुलपति और कुलाधिपति ये दोनों लोगों का इसमें जिम्मेवारी बनती है, और कुलपतियों की जो चाल है कि बिहार के छात्रों को बर्बाद करना और बिहार के छात्र ये मान लें, चूंकि वो नए बच्चे हैं उनको समझाना पड़ेगा ये चाल क्या है, उनके भविष्य को खराब करके बिहार को खराब नहीं होने देंगे। छात्र जदयू प्रण लेता है कि हम लोग छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और जहां तक सरकार के साथ समन्वय की बात है हम लोग बनाए हुए हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इलेक्शन जीता, पटना यूनिवर्सिटी को 161 करोड़ रुपए का हमने फंड माननीय मुख्यमंत्री जी से आगरा पे दिलाया। अभी ये लोग हमारे जो मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में, उत्तम जी के नेतृत्व में, अभी अपर सचिव और सरकार के जो भी आला अधिकारी उनसे बातचीत करके इस स्थिति पे संज्ञान लेने को कहा, तो सरकार तत्पर है। और आप समझिए ना कि यही सरकार अन्य विश्वविद्यालयों में स्थिति बेहतर कर रही है और अपने छात्रों के साथ न्याय करेगी, तो ये चाल है उनकी जो नहीं चलने देंगे, और हम एक एक छात्रों तक पहुंचाएंगे और हर चीज का हक लेंगे। और उन्होंने अभी बातचीत में मीटिंग में बात निकल के आई है कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को और कुलाधिपति को, इस महीने के आखिर तक अगर आपने विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं की तो हम लोग राजभवन घेरेंगे भी, और कान अगर नहीं खोलेंगे तो कान तक आवाज पहुंचाने का हम लोग ताकत रखते हैं, और इतने जोरदार तरीके से रखेंगे
तो हम लोग इस मांग को जरूर लड़ेंगे। जिस तरह से बंगाल में चांसलर का पावर कम किया गया है, क्या नहीं लगता कि बिहार में जरूरत है उसकी, चांसलर की पावर कम करने की? देखिए, महज चांसलर के पावर कम कर देने से, चूंकि हमारे नेता को आप जानते हैं जो संवैधानिक चीजें होती हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। केंद्र के लोग तो देख ही रहे, पूरा देश को बदलना चाह रहे हैं। अब तो अभी देखे होंगे G20 शिखर सम्मेलन में, तो उसमें भी लोगों में आप देखिएगा तो उनको भी लगता है कि लोटस अभियान उनमें भी चलाना चाह रहे हैं वो, यानी देश से बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। देश बड़ा है और सामने जो पार्टी है सत्ता में केंद्र में, वो समझ जाए देश से बड़ा आप नहीं है, तो वो उनका तो है, लेकिन हम लोग का काम है कि हम लोग संवैधानिक चीजों के साथ रहते हैं और जो संविधान के तहत विश्वविद्यालयों का संचालन राजभवन के अधीन है, हमारे नेता उसको सुचारू रूप से चलाने देना चाहते हैं। अन्यथा जो बंगाल में हुआ, अगर अंततः अगर स्थिति होगी तो हम लोग भी सरकार से आग्रह करेंगे, लेकिन चूंकि ये चीजें वो अलग चीजें हैं, उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं। उनसे छात्रों का कोई ये नहीं सरोकार है, सरोकार ये है कि उनको समय पे कक्षा हो, समय पे परीक्षा और समय पे परिणाम मिले, ताकि भविष्य उनका बेहतर हो। आप मान के चलिए ना, जिनका बीपीएससी हो गया और उनका परिणाम नहीं आया, उनकी क्या गलती है? अभी सब जगह एडमिशन हो रहे हैं, उनको यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? किन्हीं के अगर मान लीजिए, एक तो आजकल बेरोजगारी के दौर में देश ने जिस तरह से बेरोजगारी के दम झेल रहा है, ये सरकार जो केंद्र की वो बेरोजगार बना रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर किसी को नौकरी लग जा रहा है और डिग्री नहीं मिल रहा है, तो ये गलत रह रहा है और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग का काम है छात्र हित में सतत हम लोग काम करते हैं, और छात्र हित ही हमारा सर्वोपरि है, बाकी मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन छात्रों का कल्याण हो ये छात्र जो चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।